देखो अभी एक ऐसी चीज मैं बताने वाला हूँ ना, चैट जीपीटी आपका इतना इंटरेस्ट बढ़ेगा जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आपको ऐसी ऐसी चीजें समझ में आएगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और मैं भी वही सोच रहा था कि शायद ये बोर टॉपिक है, इतना कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मुझे इसके फीचर्स के बारे में जब पता चला, हाँ लेकिन इसकी कुछ कमियां भी है, क्यों ये मार्केट में वो जगह नहीं ले पाएगा जिस जगह की तलाश में ये आया है, वो जगह नहीं ले पाएगा, उसका भी रीजन अभी मैं बताऊंगा, लिमिटेशन। क्योंकि किसी भी चीज की अगर कोई अच्छाई होती तो कुछ ना कुछ तो बुराई जरूर होती है। तो चैट जीपीटी आखिर में है क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐसा एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन बोलता हूँ इसे, एक एप्लीकेशन है जो आपको चैट की मदद से आपकी मदद करता है, एक रोबोट है जो स्मार्ट है, स्मार्ट रोबोट, और आप इस रोबोट से कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट है। अगर आप इसको बोलते हो, इस रोबोट को, कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्विक सॉर्ट का जो प्रोग्राम है वो कैसे बनाया जाएगा, तो भी ये बता सकता है, बहुत अच्छा है ये रोबोट। तो ये क्या करेगा, आपको बस बोलना है टेल मी अबाउट क्विक सॉर्ट या फिर प्रोग्राम क्विक सॉर्ट, कुछ भी बोल दो, आई वॉन्ट अ क्विक सॉर्ट प्रोग्राम, तुरंत वो धीरे धीरे करके टाइप करेगा, टाइप करेगा, टाइप करेगा, मतलब चैटिंग जैसे की जाती है वैसे आपको धीरे धीरे देगा, और देते समय ऐसा आपको फील भी नहीं आने देगा कि इसने कहाँ से उठाया है कंटेंट को, इतने प्रॉपर और इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको देगा। मतलब आप बोलते बोलते हो जैसे राइट ऐसे, आप एक ऐसे लिखो ऑन किसी भी मतलब बोल सकते हो कि फ्लावर, किसी भी फूल के ऊपर एक कोई ऐसे लिखो, इतने डिटेल में वो लिख के दिखाएगा, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे करेगा वो, और आपको करना क्या है वो भी बताता हूँ, एकदम प्रॉपर। आप बोलते हो मुझे ब्लॉग्स चाहिए, ब्लॉगिंग करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये बहुत यूनिक कंटेंट देता है, बहुत यूनिक, मतलब वो कंटेंट आपको मिलेगा भी नहीं, मतलब आपको इससे पैसे कमाने का भी एक चांस है, आप पैसे भी कमा सकते हो। कैसे, आप क्रिएटिविटी जो है आपके अंदर नहीं है ना, आप इसकी मदद से कर सकते हो, मतलब यूट्यूब पे हो लगता है कि आप मुझसे कुछ चीजें सीख लो और उसको इंप्लीमेंट करके यूट्यूब पे आप कुछ अलग कर सकते हो, कर सकते हो आप डेफिनेटली। मतलब आप पूछ सकते हो कि वीडियोस किस टॉपिक पे बनाए जाए, कैसे बनाए जाए, उसकी प्रोसेस क्या है यूट्यूब पे वीडियोस, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मुझे इतनी सारी चीजें। मैं एक बात और बताऊँ, मैंने ना ये पता करने की कोशिश की थी कि चैट जीपीटी क्या है, और मैं किससे पूछ रहा था पता, उसी से खुद से पूछ रहा था, उसने मुझे ये भी बहुत अच्छे से बताया कि मेरा जन्म दिसंबर नहीं नवंबर एंड में हुआ था 2022 में, और उसके बाद ओपन एआई नाम की जो कंपनी है उसने मुझे बनाया था, इतने प्रॉपर तरीके से बताया था इसने अपने बारे में सब कुछ। मुझे आज 35-45 डेज लगभग हो चुके हैं और मैं आज वर्किंग में हूँ, मैं 15 दिसंबर तक अपडेट हूँ, ये सब चीज़ें वहाँ मुझे मिल गई, इसने बताया, इसके बेनिफिट्स बताए। मतलब आप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैं यूज़ करके कैसे यूज़ किया जाएगा। आपको करना क्या है, जस्ट सिंपली यहाँ पर लिखना है chat.openai.com, बस सर्च करना। हाँ लेकिन मेरा ऑलरेडी, मैंने ना लॉगिन, अच्छा साइनअप का ऑप्शन आ गया, अच्छा हो गया, मैं आपको बताता हूँ, साइनअप पर क्लिक करो, जैसे ही आप साइनअप पर क्लिक करोगे यहाँ पर बोलेगा कंटिन्यू विद गूगल, उस पे ओके कर दो, या आप अपना ईमेल आईडी वगैरह वहां से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, मेरी जो ईमेल आईडी है मैं वो यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं, ये देखो यहां पे आप कर सकते हो कहीं से भी। उसके बाद नेक्स्ट करता हूं और जो भी चीजें हैं यहां से डन कर देता हूं, मैं नहीं पढ़ रहा हूं क्या। अब यहां पे मुझे टाइप करना है, मतलब यहां पे मैं जो बोलूंगा ये मुझे प्रॉपरली बताएगा। जैसे मैं बोलता हूं आई नीड प्रोग्राम ऑन डेटा साइंस या फिर प्रोग्राम क्विक सॉर्ट, वो इजी चीज पूछता हूं, ईजी क्या है, ये कोई भी चीज़ आप पूछो वो सब बताने लायक है, सब कुछ बता सकता है आप, और वो अब बताना यहाँ पे शुरू करेगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत हम डिमांड में है इसलिए थोड़ा स्लो हो सकता है, व्हाट डू यू नीड अ प्रोग्राम फॉर, डू यू नीड हेल्प, और यहाँ पे ये पूछ रहा है, रुको, क्विक सॉर्ट प्रोग्राम, क्विक सॉर्ट इन सी, ये भी बोल देता हूँ किस लैंग्वेज में चाहिए वो भी बता दो, हियर इज अ सी प्रोग्राम दैट इंस्टॉल्ड, देखो पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे टाइप होने वाला है, मतलब एक ह्यूमन का काम एक मशीन कर रही है। हाँ लेकिन ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कभी ये जगह नहीं ले सकती ह्यूमन की, क्योंकि इसके पास इमोशन नहीं, इसने खुद बोला था, मैंने इससे पूछा भी कि क्या आप ह्यूमन की जगह ले सकते हो, तो इसने बोला नहीं मैं वो जगह कभी नहीं ले सकती, उसका रीज़न ये है क्योंकि ना मुझे मैं इमोशंस को नहीं समझ सकती, मैं इमोशंस को नहीं जानती, मैं नई चीज़ों को नहीं समझ पाऊंगी, कौन सी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं काम नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारा डिसीजंस लेने हैं, डिसीजंस मैं नहीं ले पाऊंगी। हाँ आप मुझसे कुछ पूछोगे तो जो एक इंसान आपको बताएगा, मतलब अलग अलग स्किल्स नहीं मिलेगी,
आपको जो ऑलरेडी स्टोर्ड चीजें हैं वही मिल पाएंगी, क्योंकि हमेशा इंसान नई चीजें ढूंढता है और नई चीजें ढूंढने के लिए इसकी जरूरत कैसे काम आने वाली है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा भी अगर मैं इससे पूछूं, देखो ये कितने डिटेल में बता रहा है, मैं अभी बोलता हूँ या मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, मुझे ब्लॉगिंग करना है, तो मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, हाउ टू अर्न मनी भी आप पूछोगे तो भी ये बताएगा। मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ये देखो प्लीज हेल्प, कुछ भी आप कुछ भी बोलो, आई वॉन्ट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, स्टार्टिंग अ ब्लॉग कैन बी अ फन एंड रिवॉर्डिंग, आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो, अपने थॉट्स, एक्सपीरियंस, आइडियाज सारे शेयर कर सकते हो और अपना कंटेंट बना के आप किसी वेबसाइट पे, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं आप चेक करोगे ना कि जहाँ पे आप ब्लॉगिंग अपना जो कंटेंट है वहाँ पे डाल सकते हो और वहाँ पे कंट्री वाइज अगर 1000 व्यूज आ जाते हैं आपके कंटेंट को, और ये यूनिक कंटेंट देता है, इसकी एक खासियत है, ये आपको यूनिक देगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, और वहाँ पे ना ऑप्शन होता है जब आप कंटेंट को डालते हो ना तो वहाँ पे दिखाई देता है यूनिक है या फिर कहीं से उठाया हुआ है, दोनों चीजें आती है वहां पे, और अगर यूनिक रहा तो आप कर सकते हो अप्लाई, नहीं रहा तो वो बता देता है कि आप डुप्लीकेट चीजें ला रहे हो, इसको अपलोड नहीं कर सकते, तो ये खासियत है इसकी। मैं मतलब जो भी पूछ रहा था, व्हाई ह्यूमंस आर बेटर देन चैट जीपीटी, मैं इससे ही पूछता हूँ, मैंने इसी से पूछा था तो इसने मुझे वो भी बताया है। देखो बहुत सारे रीजन, इमोशन से लेके सारी चीजें उसने ही बता दी, तो मुझे कुछ और सोचने, इट्स नॉट एक्यूरेट टू से, पूरा एक्यूरेट नहीं बोल सकते दैट ह्यूमंस आर इनहेरेंटली बेटर देन चैटबोट्स और लैंग्वेज मॉडल्स लाइक जीपीटी, बोथ ह्यूमंस एंड चैटबोट्स हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस, मतलब ह्यूमंस के भी कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं जो इसके ना हो, लेकिन मेन चीज क्या है कि ये क्यों रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमन को, वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि जो भी इमोशंस हैं, जो भी नई चीज़ें अडेप्ट करना वगैरह, जो भी बातें हैं वो सब यहाँ पे नहीं हो सकता, तो वो सब चीज़ें इसमें पॉसिबल नहीं, जो आप स्टोर कराओगे और इतने ऑर्गेनाइज वे में स्टोर है चीज़ें, तो इसके वजह से ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। एक ये बात ज़रूरी थी, मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट टू लर्न, मुझे सीखना है, जैसे मैं बोल देता हूँ कोडिंग कहाँ से शुरू करूँ, आप ये पूछ सकते हो। आई वॉन्ट, मैंने अभी एक सवाल और पूछा था कि मुझे एक अच्छा बड़ा टीचर बनना है, उसके लिए मुझे ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसने बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। अभी देखो आई वॉन्ट टू लर्न कोडिंग मैंने बोला, ये बता रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ये चूज़ कर सकते हो, फास्टेस्ट लैंग्वेज मैंने पूछा ये भी उसने बताया मुझे कि C++ और रस्ट ये फास्टेस्ट लैंग्वेज है, पॉपुलर कौन कौन सी है जो सबसे इस समय बहुत अच्छी ट्रेंडिंग में जो फ्यूचर में चलने वाली, वो भी इसने मुझे बताया कि पाइथन अच्छी है, जावा अच्छी है, जावास्क्रिप्ट अच्छी है, C++ अच्छी, चार लैंग्वेजेस के नाम मुझे इसने बताया। तो ये जो भी चीज़ है एकदम प्रॉपर तरीके से बताता है। आप जो भी आप चाहते हो, आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू बिकम बिजनेसमैन या कुछ भी आप बोल सकते हो, हाउ आई विल गेट सक्सेस, मैं बोल देता हूँ गेट सक्सेस इन माई करियर, उसकी भी चीज़ें मतलब जो चीज़ें आपको बताएगा ना, ये बहुत सारे स्टडी से आपको बताएगा, आप किसी से पूछोगे वो कुछ भी बताएगा, लेकिन अगर आप इससे पूछोगे तो ये आपको एकदम प्रॉपर तरीके से बताएगा। देर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल फार्मूला फॉर करियर सक्सेस, आप क्या, ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे, फिर ये बोलेगा आप अपने गोल सेट करो कैसे करना, एक एक चीज़ें यूनिक बताएगा, ये एकदम यूनिक, वीडियोस बनाने कैसे हैं, उसको अपलोड कैसे करना है, टॉपिक क्या होना चाहिए, यूट्यूब पे क्या प्रोसेस होती है, यूट्यूब का एल्गोरिदम काम कैसे करता है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ये सब कुछ बता सकता है। ऐसी कोई चीज़ मतलब अभी तक तो मैंने जो सर्च की मुझे इसने सारी चीज़ें बताई, मैंने बोला था मुझे टीचर बनना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, एक अच्छा बड़ा टीचर बनना है, तो इसने मुझे बताया कि बहुत सारे कंपनीज के नाम बताए थे, आप वहाँ पर अप्लाई करो और आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाओ, बड़े बड़े लोगों से जो टीचर्स होते हैं उनसे मिलो, आपकी स्किल उनके तक पहुंचेगी, तो ये सब बहुत सारी चीजें थी, मैंने मतलब सब कुछ पढ़ के देख लिया, आपको ये सब कुछ बताएगा। यहाँ पे देखो टॉपिक्स दिए हुए, नीड्स है, यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आपको इससे और भी कुछ पढ़ना है तो आप यहाँ आराम से जाओ, यहाँ से सीखो, आपको कुछ भी मिल सकता है, मतलब आप एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हो।